नमस्कार दोस्तों, सिर्फ सोच का ही फर्क है वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता का राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चुनाव साफ रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आई शुड आपको बताएंगे सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आई शुड आगे संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, आज की तिथि चतुर्दशी, आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, पक्ष चला कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:54 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:15 से सुबह 11:20 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर 1 और शुभ रंग है नीला और गुलाबी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत में विशेष उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर वो प्रयास करेगा जो उनके लिए संभव है। साथ ही आपको बताएं, अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें क्योंकि महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में ना आए। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह में समय बिताना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता और जाता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और यही सोच से इंसान को अलौकिक करता है। दिन चढ़ते वक्त वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। किसी पारिवारिक भेद का खुलना आपको चकित कर सकता है। जैसा आपने सोचा ना होगा आज वैसा हो सकता है। साथ ही आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय अपने लिए बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा। आपके लिए आज सुबह सक्रिय लोगों को मेल जोल वाला दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आज आपके दोस्त शाम के समय कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा करेंगे। आज आपकी मुस्कान बेगानी है क्योंकि हंसी में वो खनक नहीं है जो दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है। क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं जो आपको अनमना कर रही है। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी से प्यार का तोहफा नसीब होगा जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज शुक्र राशि में पंचभाव में स्थिर होने के कारण आपको अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और आप अपने लंबेट को जीवन साथी बनाने का विचार भी बना सकते हैं। और इसके लिए
आप उनसे बात भी कर सकते हैं और आपको 80% सकारात्मक जवाब मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सोच समझकर और धैर्य से काम लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको बताएं, इस दौरान कुछ जोड़े साथ मिलकर किसी पिकनिक स्टॉप पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैवाहिक जातक इस समय अपने कार्य क्षेत्र की सारी परेशानी घर आते ही भूल जाएंगे, क्योंकि आज आपके जीवन साथी और आपके बच्चों का हंसता खेलता चेहरा आपको तनाव मुक्त करने में बेहद आरामदायक रहेगा। ऐसे में आप उनके साथ कुछ समय घर पर भी बिताना पसंद करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के समझने की कोशिश करें तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना हो सके उतना आज आप घर में ही रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। प्यार के प्रति आज आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, क्योंकि आपको अपने प्यार को समझने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें उनकी अच्छाइयों पर और उन पर अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज आप बाहर का खान पान अधिक ना करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। दोस्तों विशेष उपाय, हर गुरुवार को 2 या 5 की 8 लोई दौल डालकर गाय माता को खिलाएं। अगर हो सके तो साथ में उन्हें गुड़ भी खिलाएं तो आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।